सारे दर्शकों ने राम राम और मौजूद आज उलाना के तहसील कार्यालय में आज कैप्टन योगेश बैरागी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे और चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद जुलाना के सभी सरकारी कार्यालयों में जा रहे हैं और वहां की जानकारी ले रहे हैं। इस समय जुलाना के तहसील कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों से तहसील कार्यालय में हो रहे कार्यों को लेकर जानकारी ले रहे हैं और किस तरह की समस्या आम जनमानस को आ रही है उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि ज़्यादातर आप लोग पसंद ये है मॉर्गेज वगैरह हम सेम का ही उसमें इन्वेस्टमेंट लगा के ले रखते हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व सर, मतलब ये है कि टाइम ना लगे, उसी दिन इन्वेस्टमेंट लगा के फर्ज पे आ गए, नेक्स्ट डे रजिस्ट्री दे दी। आपके कैप्टन साहब लगातार जुलाना हल्के में आप सक्रिय हैं, आज किस तरह का दौरा चल रहा है जुलाना में? आज बेसिकली जितने जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है आज जैसे तहसील में आए हैं, हाल की वो जो है कि आरडीसी ऑफिस में मीटिंग भी थी और वो तो वहाँ गए हुए हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ जो आकर के जो सिस्टम जो चला हुआ है, लोगों से भी समस्या है जो सुनने को जो मिली है, कुछ समस्या मेरे पास में भी आई है जिसको लेकर के निवारण तुरंत प्रभाव से किया गया है और आने वाले समय के अंदर मैं भी यह चाहता हूँ कि कोई भी बंदा तहसील के अंदर किसी भी काम को लेकर के आए तो एक खुश हैप्पी वाइब लेकर के आए और पॉजिटिवली डिलीवरी के साथ में वापस जाए और इसी उम्मीद से यहाँ आज मैंने विजिट करा है। और जो भी डे टू डे केसेस जो आते रहेंगे, मेरी भी खुद की भी ऑब्जर्वेशन यहाँ रहेगी, अगर जिसके कागज पूरे हैं, जिनको अननेसेसरी जो हरेसमेंट फील करेंगे उनके साथ में मैं कड़ा मिलूंगा, साथ साथ काम होंगे। जुलाना नाम के तौर पर तो सब डिवीजन बना दिया गया है, अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर अभी तक नियुक्ति नहीं, बहुत सारे जो कामों के लिए जींद जाना पड़ता है। सब डिवीजन की जो यहाँ जो अप्रूव जो हो चुका है, आने वाले समय के अंदर जल्दी ही सेपरेट जो है कि या तो उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिलेगी या फिर उनको जो है कि जिस तरीके से बिल्डिंग मुहैया करा करके एसडीएम का जो भी कारोबार होगा जुलाना के अंदर से ही चालू होगा, चाहे वो एसडीएम के कारोबार की बात करो या रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ, सब जुलाना के अंदर ऑपरेट होने वाला है। तो आगामी कार्यक्रम क्या रहेंगे कैप्टन साहब आपके जुलाना में? अभी इसी इस विजिट के बाद में अभी म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर विजिट है, वहाँ भी काम जो भी अभी तक जो चले हुए आ रहे हैं आगे किस तरीके से सुचारू रूप से हम लोग चला सकते हैं, अभी जैसे दीपावली आने वाली है उसको लेकर के उनकी क्या व्यवस्था है, किस तरीके से हम लोगों को जो है कि सुगम कर सकते हैं, और कुछ खामियाँ हैं मेरे पास में जो व्हाट्सएप्स वगैरह आते रहते हैं उनको भी मैं डिस्कशन करता रहता हूँ, उनको जितना हो सकता है उनको जो है कि स्मूथ लाइन करने का मेरा एक उद्देश्य है, कुछ जगह वो चीज़ें हुई भी हैं और आने वाले समय के अंदर पूरे करेंगे। ये अभियान कब तक जारी रहेगा? थ्रू आउट, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जहाँ भी मेरे को कमी मिलेगी तुरंत प्रभाव से उस पर काम करने का मेरा मन रहेगा। लेकिन उस पे कोई चेकिंग नहीं हो रही है। अच्छा, आपने रिजाइन कर दिया? नहीं, रिजाइन मैंने नहीं दिया भाई जी, जिसने रिजाइन डाल रखा उस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। एप्लीकेशन ये मेड पर्सन टैक्स देने के बाद मनरेगा द्वारा काम देने वाले हैं। हाँ जी, ये कि रिजाइन दे दिया फिर किसी ने रिजाइन डाल रखा है लेकिन फिर भी उसको काम दिया नहीं। आप बताओ ये किसकी एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन मैंने लिख के दी थी। किसको? मैंने एप्लीकेशन बीडीपीओ सर को हैंड ओवर कर दी। लेकिन फिर भी नहीं तो यहाँ से गवर्नमेंट का कोई वो करा जा रहा है, क्योंकि
गवर्नमेंट तक बात पहुंच नहीं रही जब तक में है जी ये ब्लॉक सर नहीं अभी जिला जिला ने भी दी थी बस तब भी आपने एप्लीकेशन ये मैंने 18 को दी थी सर ये 24 को दी है और इससे पहले भी एक लगी हुई थी जो शमशेर बीडीपीओ थे लेकिन उन्होंने भी फिर ये दफा दफा कर दिया गया उस चीज को आई डोंट नो दिस अबाउट दिस बट आई बार यही कह के दे दिया जाता है कि चलो कार्रवाई करेंगे देखेंगे क्या करेंगे बस ये रिजाइन दे रखा सर उसने 7 तारीख पिछले 3 महीने से उसका रिजाइन लेटर अभी फिलहाल एक्टिव है और इतना गपला होने के बाद भी उस बंदे को काम दिया जा रहा तो फिर गवर्नमेंट सर सो रही है इसको मिलाना बीडी से बात है कंप्लेंट आई होगी आपके ये कौन से गाँव है मालवी गाँव के हाँ मेन से लेते अच्छा अच्छा इसमें ये कि जो ये है मैं आपको वर्बली बता देता हूँ एक मिनट ये रेनू है इन्होंने ऑलरेडी डिज़ाइन दिया हुआ है 6-9 को इसने डिज़ाइन दिया और इसको कंटिन्यूसली काम मिला हुआ है वैसे कैसे हम देखेंगे 6 सितंबर को इन्होंने ऑफिशियली रिज़ाइन दिया हुआ है एक तो रिज़ाइन की इसकी कॉपी देखो इसमें कोई फॉल्ट है क्या एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ और 6 के बाद में भी इनको जो है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है ठीक है तो पुराने जो एम्प्लॉय जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं आपके सुपरविजन में तो बैड इम्प्रेशन मिला है और जो भी काम मिले हैं तुरंत एक तो ये देखिए इसके अंदर है कौन और जो भी अगर कानूनी कार्रवाई की जाए कानूनी कार्रवाई करो मैं आपके सामने रखूँ जो भी इसमें इन्वॉल्व है ये कल आपको दे देंगे फोटो की जरूरत फिर कल आपसे आकर के मिल लेंगे ठीक है हाँ अगर इस ऑलरेडी इन्होंने जब हॉप डिलीवरी है फिर हॉप रिकॉर्ड हो जाएगी आप किस तरीके से मिल रहा है किसकी इन्फ्लुएंस से मिल रहा है ये चीज़ हमें पता चलता है किस किसकी रिकमेंडेशन पर ठीक है ना और क्या बता रहे थे आप मनरेगा से ही रिलेटेड है पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास इसका कि जिसमें इसने घोटाले कर रखे हैं लेकिन सुनाई नहीं अभी एक बार चेक करो कल आपसे आ करके मिल ठीक है ये कॉपी मैं ले रहा हूँ ये आपसे बात कर देखा करके देखा है ना अपना पूछा करके आपको मिलेगा मेरे को फिर बता भी देना है ना एक तरह क्या ठीक है आप कैप्टन योग बैरागी के पास आए थे किस तरह की समस्या लेकर आए थे सर यहाँ जो जुलाना ब्लॉक में घोटाले चल रहे हैं जो अनसुनाई चल रही है उसको उसके मामले को लेकर मैं सर से मिली आप घोटाले प्रति इतने शोर कैसे हैं वेस्ट घोटाला है क्योंकि मेरे पास उसके ऊपर वीडियो प्रूफ है एविडेंस है लेकिन उसके बावजूद भी जो PDPO सर या ABPO सर एक्शन नहीं ले रहे हैं सर पूरा स्टाफ इसमें फिर बोला जाए कि एक मिली भगत चली गई है आपने शिकायत कब की थी इसकी सर मैंने शिकायत पिछले 8 महीने से लगातार करती आ रही हूँ अभी भी मैंने 18 तारीख को दिया है 18 तारीख के देने के बाद मैंने 24 तारीख को फिर दोबारा से दी है एक एप्लीकेशन लेकिन अनसुनाई हो रही है सर अब कैप्टन योगेश की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है आश्वासन दिया है कि कल आप मिले उसके बाद अगर सुनवाई हो रही है तो ठीक है नहीं अदरवाइज फिर एक्शन लिया जाएगा तो कल आप वीडियो वगैरह कल जाओगे हाँ जी सर क्या नाम आपका लेकिन उस पे कोई चेकिंग नहीं हो रही है अच्छा आपने रिजाइन कर दिया नहीं रिजाइन मैंने नहीं दिया भाई जी जिसने रिजाइन डाल रखा उस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा हालांकि एप्लीकेशन भी ये मेड पर से टैप कर देने के बाद मनरेगा द्वारा काम देने वाले हैं हां जी तो ये कि रिजाइन दे दिया फिर किसी ने रिजाइन डाल रखा है लेकिन फिर भी उसको काम दिया नहीं तो आप बताओ ये किसकी एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन मैंने लिख के दी थी किसको मैंने एप्लीकेशन BDPO सर को हैंड ओवर कर दी सर उसका बायोग्राफ मेरे पास हर चीज का अच्छा लेकिन फिर भी नहीं तो यहाँ से गवर्नमेंट का कोई वो कर जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट तक बात पहुँच नहीं रही जब ये ब्लॉक सर नहीं अभी जिला जिला ने भी दी थी बस हाँ
ये मैंने 18 को दी थी सर, ये 24 को दी है, और इससे पहले भी एक लगी हुई थी जो सनसेल भी डिबियो थे, लेकिन उन्होंने भी फिर ये दफा दफा कर दिया गया उस चीज को। आई डोंट नो सर अबाउट दिस, बट आई बार यही कह के दे दिया जाता है कि चलो कार्रवाई करेंगे, देखेंगे या करेंगे। बस ये रिजाइन दे रखा सर उसने 7 तारीख को, पिछले 3 महीने से उसका रिजाइन लेटर अभी फिलहाल एक्टिव है, और इतना गबला होने के बाद भी उस बंदे को काम दिया जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट सस हो रही है। इसको मिलाना बीडीपी को से बाहर है। ओके गाड़ी से होती है अभी नहीं होती है, कौन सा बात है। हेलो कैसे हो सर। अच्छा वैसे भी कंप्लेंट आई होगी आपके, ये कौन से गाँव है, मालवी गाँव के। हाँ मेट से भी होते। अच्छा अच्छा, इसमें ये कि जो ये है मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, एक मिनट। ये रेनू है, इन्होंने ऑलरेडी रिजाइन दिया हुआ है, 6-9 को इसने रिजाइन दिया और इसको कंटिन्यूसली काम मिला हुआ है। वैसे कैसे हम देखेंगे, 6 सितंबर को इन्होंने ऑफिशियली रिज़ाइन दिया हुआ है। एक तो रिज़ाइन की इसकी कॉपी देखो, इसमें कोई फॉल्ट है क्या, एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, और 6 के बाद में भी इनको जो है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो पुराने जो एम्प्लॉय जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं आपके सुपरविजन में, तो बैड इम्प्रेशन मिल रहा है, और जो भी काम मिले हैं तुरंत एक तो ये देखिए इसके अंदर है कौन, और जो भी अगर कानूनी कार्रवाई की जाए कानूनी कार्रवाई करो, मैं आपके सामने रखा हूँ, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। एक कल आपको दे देंगे फोटो की जरूरत, कल आपसे आ करके मिलेंगे, ठीक है। हाँ अगर अगर इस ऑलरेडी इन्होंने जब ऑफ डिलीवरी है फिर ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आप किस तरीके से मिल रहा है, किसकी इन्फ्लुएंस से मिल रहा है, ये चीज़ हमें बता देते हैं, किस इसकी रिकमेंडेशन है, ठीक है जी। और क्या बता रहे थे आप, मनरेगा से ही रिलेटेड है, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास इसका, कि जिसमें इसने घोटाले कर रखे हैं, लेकिन सुनाई नहीं होती है। एक बार चेक करो कल आपसे आकर के मिलेंगे, ठीक है। एक कॉपी मैं भी ले रहा हूँ, ये आपको बात कर रहा हूँ, रेखा करके रेखा है आपका, पूजा करके, पूजा करके आपको मिलेगी, मेरे को फिर बता भी देना जरूरी है ना इस तरह का, ठीक है। आप कैप्टन योग बैरागी के पास आए थे, किस तरह की समस्या लेकर आए थे सर। यहाँ जो जुलाना ब्लॉक में घोटाले चल रहे हैं, जो अनसुनाई चल रही है, उसको उसके मामले को लेकर मैं सर से मिली। आप घोटाले प्रति इतने शोर कैसे हैं, ये घोटाला है क्योंकि मेरे पास उसके प्रूफ है, एविडेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो BDPO सर या ABPO सर एक्शन नहीं ले रहे हैं सर, पूरा स्टाफ इसमें फिर बोला जाए कि एक मिली भगत चली हुई है। आपने शिकायत कब की थी इसकी। सर मैंने शिकायत पिछले 8 महीने से लगातार करती आ रही हूँ, अभी भी मैंने 18 तारीख को दिया है, 18 तारीख के देने के बाद मैंने 24 तारीख को फिर दोबारा से दी है एक एप्लीकेशन, लेकिन अनसुनाई हो रही है सर। अब कैप्टन योगेश की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया है कि कल आप मिले, उसके बाद अगर सुनवाई हो रही है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज फिर एक्शन लिया जाएगा। तो कल आप वीडियो वगैरह कल जाओगे। हाँ जी सर। क्या नाम आपका। नमस्कार।